आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। वाकई करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया था ये गाना और उम्र के इस पड़ाव पर भी करिश्मा पर बिल्कुल सटीक बैठता है। वो भोली सी सूरत, नीली आंखों में मस्ती, बढ़ती हुई उम्र के साथ जरा भी कम नहीं हुई। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज, जहां लेकर एक बेहद स्पेशल प्रोग्राम हम एक बार फिर से हाजिर हैं। इस खास प्रोग्राम में हम आपसे बात करने वाले हैं बॉलीवुड की लोलो करिश्मा कपूर के बारे में। करिश्मा कपूर, जिनका नाम जहन में आते ही आपको याद आ जाती होगी पर्दे पर नजर आई वो केमिस्ट्री जो दिखाई पड़ी थी गोविंदा के साथ। आपको दिखाई पड़ता होगा वो गाना जो फिल्माया गया था करिश्मा और सलमान पर। अपने फिल्मी करियर में कई बड़े सितारों के साथ काम कर चुकी करिश्मा ने जितनी सफलता अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हासिल की, इसके बाद एक के बाद एक हार का सामना पर्सनल लाइफ में उन्हें लगा। पहली बात तो जिस शादी के लिए उन्होंने अपने करियर को बाय बाय किया, वो शादी ने तलाक की दहलीज पर जाकर अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद खबर आई कि अब करिश्मा बहुत जल्द करेंगी दूसरी शादी। लेकिन ये क्या, जहां एक तरफ करिश्मा कपूर के तमाम लाखों हजारों प्रशंसक उन्हें एक बार फिर से दुल्हन बनकर लाइफ में सेटल होते हुए देखने के लिए एक्साइटेड थे, वहीं अब ब्रेक लग चुका है करिश्मा कपूर की दूसरी शादी वाली खबरों पर। क्योंकि करिश्मा ने साफ कह दी है ये बात, दूसरी शादी नहीं करना चाहती हैं वो। जिसके पीछे की वजह क्या है, क्यों करिश्मा कपूर एक बार फिर से अपनी लाइफ में शादी करके सेटल नहीं होना चाहती। संजय कपूर जब करिश्मा से तलाक के बाद शादी करने जा रहे थे, उस दौरान करिश्मा को एक के बाद एक लगातार अपने र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड संदीप के साथ स्पॉट किया जा रहा था। लेकिन अचानक से ये प्रेमी जोड़ा साथ नजर क्यों नहीं आ रहा। शादी को लेकर खबरों ने बीटाउन के गलियारों में हड़कंप मचाया, लेकिन अभी फिलहाल करिश्मा की दूसरी शादी की खबरें अचानक से इतनी ठंडी भला क्यों पड़ गई हैं? इस तरह के कई सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे, तो एक बेहद स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की है, जहां हम आपको बताएंगे दूसरी शादी ना करने का फैसला करिश्मा कपूर ने भला क्यों लिया है। करिश्मा कपूर की शादी संजय कपूर से जब टूटी, तब करिश्मा कपूर किस तरीके के दौर से अपनी जिंदगी में गुजरी। जिस आदमी के लिए, जिस शादी के लिए करिश्मा ने अपनी चरम सीमा पर पहुंचे फिल्मी करियर पर फुल स्टॉप लगाया, जब वो शादी ही ना चल सकी तो करिश्मा पर क्या कुछ बीता, ये तमाम जानकारियां अपनी बेहद स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम आपको देने जा रहे हैं। डालिए नजर इस खास रिपोर्ट पर। नीली नीली आंखें और चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान। बात कर रहे हैं हम आपसे बॉलीवुड की लोलो कही जाने वाली एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बारे में। करिश्मा कपूर, जिन्हें लेकर आज भी किसी को यकीन नहीं होता कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी तकलीफ, इतना दर्द सहा है। करिश्मा कपूर जिनकी शादीशुदा जिंदगी किस तरीके से उनके सामने एक बड़ा चैलेंज बनी, हर कोई जानता है। अक्सर देखा जाता है कि बॉलीवुड में रिश्तों को अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि बॉलीवुड में अफेयर, ब्रेकअप, शादी और तलाक, ये सारी चीजें आम बात मानी जाती हैं, जिसके भविष्य में काफी बड़े दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। इन सब के बीच में करिश्मा कपूर ने जिस तरीके से शादी के बाद अपने एक्टिंग करियर से रिश्ता तोड़ा, वो वाकई काबिले तारीफ है। जहां एक तरफ लोगों का आज की तारीख में भी ये मानना है कि बॉलीवुड की दुनिया में ना तो एक्टर और ना ही एक्ट्रेस शादी के बाद अपनी जिंदगी को बदलते हैं, वहीं दूसरी ओर करिश्मा कपूर की शादीशुदा जिंदगी और शादी के बाद जिस तरीके से उन्होंने खुद को ससुराल के रंग में ढाला है, अगर आप सब जानेंगे तो आप भी करिश्मा के फैन हो जाएंगे। इन सबके बीच में आज हम आपको बताने वाले हैं उन परेशानियों के बारे में जिनसे करिश्मा कपूर गुजरी। हम आपको बताएंगे करिश्मा कपूर की दूसरी शादी के बारे में। बता दें आपको,
90 के दशक में अपने शानदार एक्टिंग टैलेंट से सिने प्रेमियों को अपना दीवाना बना देने वाली दिग्गज अभिनेत्री करिश्मा कपूर एक वक्त पर काफी ज्यादा चर्चा में आ गई। बॉलीवुड के गलियारों में खबर जोरों शोरों से आने लगी कि करिश्मा कपूर अब अपने बॉयफ्रेंड करने जा रही हैं उनसे शादी। लेकिन ये क्या, यहाँ पर संदीप के साथ करिश्मा की शादी तो हुई नहीं, मगर खबर आ गई उनके ब्रेकअप की। पहले कहा जा रहा था कि करिश्मा कर लेंगी यहाँ पर संदीप के साथ गुपचुप शादी, लेकिन अब आ चुका है दोनों के ब्रेकअप का अपडेट। एक चीज जरा आप भी गौर कीजिए, करिश्मा कपूर बीते काफी टाइम से अपने रूममेट बॉयफ्रेंड संदीप के साथ स्पॉट भी की नहीं जा रही, बल्कि एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब फैमिली फंक्शन से लेकर बच्चों के साथ भी हर जगह करिश्मा संदीप के साथ ही नजर आ रही थी। अब इन सबके बीच में हम आपको बताने वाले हैं इनके ब्रेकअप के बारे में। दरअसल जब इनकी शादी की खबरें बॉलीवुड गलियारों में आई तो यहाँ करिश्मा के पिता रणधीर कपूर से किया गया सवाल और उन्होंने इन सारी खबरों को बताया बिल्कुल बकवास। करिश्मा कपूर जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव झेले हैं, करिश्मा कपूर जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी अभिनेत्री होने के बावजूद भी ऐसा फेज झेला है जो आज की तारीख में कोई नहीं देखना चाहेगा। उनसे जब पति संजय कपूर से तलाक के बाद दूसरी शादी को लेकर सवाल किया गया, जब करिश्मा से पूछा गया कि आप अभी संजय कपूर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तीसरी बार शादी कर चुके हैं, क्या आप भी शादी करने वाली हैं? उन्होंने कहा कि उन्हें अब शादी करने में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है, वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहेंगी। बता दें आपको, बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन के साथ सगाई टूटने के बाद करिश्मा ने संजय कपूर से शादी की। शादी के महज 2 साल बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। एक बेटे और एक बेटी की मां है करिश्मा कपूर। इन सबके बीच में संजय से अलग हो जाने के बाद करिश्मा की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके संदीप तोशनीवाल आए। कहा जा रहा था कि संदीप 2018 में करिश्मा को अपनी दुल्हनिया बना लेंगे। खबरें आ रही थी कि 2018 में करिश्मा और संदीप इन दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन ये सारी की सारी खबरें पूरी तरह से अफवाह साबित हो गई। ये सारी की सारी खबरें अब पूरी तरह से फेक साबित हो चुकी हैं। ना तो करिश्मा कपूर गुपचुप शादी करने जा रही हैं, ना ही उनकी शादी कोई ग्रैंड सेरेमनी के थ्रू होगी, क्योंकि करिश्मा कपूर तो शादी करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। करिश्मा कपूर को तो शादी करनी ही नहीं है। बता दें आपको, करिश्मा कपूर यहाँ पर शादी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो अब सारा का सारा ध्यान लगाना चाहती हैं अपने बच्चों की परवरिश पर। कहा जा रहा है कि अब करिश्मा सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान देंगी, अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगी। संदीप के साथ उनका ब्रेकअप हो चुका है, तो वैसे में जितने लोग आस लगा कर बैठे थे कि करिश्मा दूसरी शादी की खुशखबरी देंगी, अब वो अपनी आंसों पर भी फुल स्टॉप लगा दे, क्योंकि करिश्मा संदीप शादी नहीं करने वाले हैं। करिश्मा अपनी जिंदगी में अकेले रहना चाहती हैं अपने बच्चों के साथ, वो नहीं चाहती कि दूसरी शादी करें और इसका असर उनके बच्चों पर पड़े। दूसरी शादी नहीं करनी है मुझे, दूसरी शादी में दिलचस्पी नहीं है मुझे, अपने बच्चों का पर ध्यान में रखना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ टाइम में स्पेंड करना चाहती हूँ। ये वजह करिश्मा कपूर की ओर से बताई गई है कि इस वजह से वो संदीप के साथ शादी नहीं करने वाली हैं। दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भले ही ना हो, लेकिन अचानक से दो हंसों का जोड़ा जो अकेले अकेले नजर आता है, ये सारी बातें किस ओर इशारा करती हैं हर कोई जानता है। दोस्तों आज के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। बताया हमने आपको करिश्मा कपूर की जिंदगी से जुड़ी उन खास बातों के बारे में, जिसे सुनने के बाद कई लोग उदास भी होते हैं ये सोचकर कि एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी में कितनी तकलीफों को सहा है, और दूसरी ओर करिश्मा कपूर के तमाम प्रशंसक
उदास भी हो जाएंगे ये जानकर कि अब करिश्मा को दोबारा दुल्हन के जोड़े में देखने का मौका शायद ही उन्हें मिलेगा। इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। जी हाँ, नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो, बट वी विल मीट यू गाइस सून विद सम मोर एक्साइटिंग अपडेट्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू नेक्स्ट 9 न्यूज एंड स्टे अपडेटेड।